नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और वीडियो में जो आप ये कॉनिकल प्लांटर देख रहे हो, तो इसको तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन जहां से मैं मंगाती हूँ वहां से बड़े ठीक रेट पे चीजें मिल जाती हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर भी किया था उनका नंबर, तो अब दोबारा भी कर दूंगी मैं, कोई बात नहीं। तो मेरा भी ये सामान आया है, 2-3 दिन से आया रखा है, तो अब आज इसको बना ही लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखो, ये कील के लिए, नेल के लिए भी ये जगह दे रखी है, ताकि आप इसको आराम से बड़े अच्छे से दीवार पे वर्टिकली प्लेस कर सको। ये देखिए, ये वाले मैंने 4 मंगाए थे, तो देखो सारे बड़े अच्छे अच्छे हैं, अलग अलग टेक्सचर के हैं। तो बस मैंने कोई प्रिंट तो नहीं बताया था उनको, मैंने कह दिया था, मैंने कहा भैया अपने हिसाब से भेज देना चारों का, अलग अलग मतलब ये जो इन पे काम हो रहा है वो थोड़ा अलग अलग हो। तो ये देखिए, आप बताना मुझे व्हाट्सएप करके कैसे लगे आपको भी। तो चलो भी निकाल लेते हैं इनको, थोड़ा सा इनको सेफली रखना होता है, जरा से आपस में भी टकरा जाए तो ये टूट जाते हैं। सेरेमिक की आइटम्स दोस्तों जितनी देखने में खूबसूरत लगती हैं, इनको रखना भी उतना ही रखना भी बड़े सेंसिटिव तरीके से उतने ही जरूरी है, थोड़े सेंसिटिव होते हैं ये। और दो भैया मैंने बाउल मंगाए थे ब्लैक वाले, जो मेरे कुकिंग में काम आते हैं, तो ये काफी हैवी हैं, बहुत हैवी हैं ये, तो इनको भी मैंने सबसे पहले निकाल के रख लिया था टिश्यू पेपर लगा के। और ये प्लांटर मैंने छोड़ दिए थे पेटी में, ताकि जब मैं प्लांट्स लगाऊं तब भी मैं इनको निकाल लूं। तो ये देखिए, अगर आपके पास भी सेरेमिक के आइटम्स हैं तो आप इस तरह से रखें, फिर कोई भी ना इन पे एक दूसरे का निशान नहीं पड़ेगा। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ, थोड़े से हैवी हैं ये, खुद ही संभालने पड़ते हैं, मेड वेड के चक्कर में तो छोड़ नहीं सकते इनको। तो भी जो हमारा काम है वो हम कर लेते हैं, उसके लिए आप मेरी कुकिंग की वीडियोस देखा करो, स्मार्ट किचन चैनल। तो आज हम बनाते हैं इन प्लांटर्स को, कौन से प्लांट आप इनमें लगा सकते हो, कैसे लगाने हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों इनमें जो मिट्टी के आने की जगह होती है, सोइल मिक्सचर होता है, बहुत कम होता है। तो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट प्लांट इसमें एस्पेरेगस ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसमें बेबी सनरोज लगाए ना, तो बेबी सनरोज लटकेंगे नीचे की तरफ और वो इस प्लांटर की खूबसूरती को बिल्कुल ढक लेंगे, पता ही आपको है ना। लेकिन एस्पेरेगस जाएगी थोड़ी सी ऊपर की तरफ, जिससे कि आपका प्लांटर भी दिखाई देगा और फिर प्लांट लगने के बाद तो सुंदर लगेगा ये। तो मैं देख रही हूँ कहाँ से मैं प्लांट निकालूं जो पहले के लगे प्लांट है, ताकि मैं इसमें लगा सकूं। मुझे 4 प्लांटर हैं, 4 गुच्छे चाहिए इस तरह के एस्पेरेगस के। तो देखते हैं कहाँ हैं। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, क्योंकि ये वाले जो बल्ब है ना एस्पेरेगस के, वैसे भी बाहर से आ रहे हैं, तो इस प्लांट के लिए भी ठीक जगह हो जाएगी, खाली सी जगह हो जाएगी थोड़ी, और मेरे लिए भी नए नए प्लांट बन जाएंगे। तो आप बताना मैंने प्लांट ठीक सेलेक्ट किए नहीं किए, क्योंकि एस्पेरेगस ही मुझे ठीक लगा, जिससे कि हमारा प्लांटर भी इतना सुंदर है वो दिखता रहेगा और ऊपर से प्लांट भी चलते रहेंगे। और कुछ कटिंग्स हम पर्सलेनिया या पोर्चुलाका की लगा देंगे, ताकि फूल भी खिलते रहें। देखो इस तरीके से लगाएंगे हम, ये भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं। तो क्या होगा कि आपकी जो डेकोरेटिव की चीज, डेकोरेशन की जो चीज है वो भी दिखती रहेगी इस तरीके से, और प्लांट भी आपका ऊपर लगा रहेगा। तो इस तरीके से लगा देंगे वो। तो चलो मैंने बेबी सनरोज की कटिंग लगा दी थी, नहीं तो बेबी सनरोज लगाती ना मैं, सारी बाल्टी कवर हो जानी थी, दिखनी भी नहीं थी फिर ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चूज कर लेंगे प्लांट्स को, ताकि हमारा ये ब्यूटीफुल सा कॉनिकल प्लांटर भी दिखता रहे। तो भी अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको नागफनी कैक्टस लगा के दिखाया है, और उसकी मट्टी बची हुई है गमले की, वो मैंने मग्गे में रख ली, और रिवर सैंड इस बकेट में, आपको पता ही है। तो 4 गुच्छे मैंने निकाल लिए हैं उसी में से, जो मैंने आपको दिखाया है, कैमरा में रख नहीं सकती थी क्योंकि वो ऊंचाई पे था, तो बस ऐसे ही निकाल लेने आपने गुच्छी सी बना बना के ऊपर से, और बिल्कुल आराम से अलग हो जाते हैं ये। नहीं हो तो फिर अपना थोड़ा सा इससे जो ये होती है ना अपनी खुरपी, इससे कर लेना अलग अलग, वैसे आराम से हो जाते हैं, मेरे से भी आराम से ही हो गए। तो 4 ये मैंने गुच्छे निकाल लिए। तो अब आता है भाई इसको भरने का काम, क्योंकि इसमें जगह बहुत कम है। तो नीचे हम इसके डाल लेंगे थोड़ी सी रिवर सैंड और अपनी सोयल,
क्यों? क्योंकि ये बल्ब नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि बल्ब का साइज थोड़ा सा चौड़ा है, वो ऊपर ही रहेगा। लेकिन जब इसकी जड़ें फैलेंगी ना बल्ब की, तो उनके लिए बढ़िया सा मीडियम होना चाहिए, ताकि वो सैंड मिली मिट्टी में अच्छे से फैल सकें, और फिर ऊपर इसकी ग्रोथ अच्छे से दिखाई देगी, क्योंकि नीचे से कॉनिकल शेप है ना, बल्ब कैसे जाएंगे नीचे तक। तो नीचे हमने रिवर सैंड या सोयल भर देनी है, और इसको लगा के देखना है। ये इससे भी देखो, इसके मुंह से भी चौड़ा गुच्छा निकला है, ये तो भाई इसको अब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। साइड के बल्ब में हटा दूंगी इसके, लेकिन चलो दूसरा कोई गुच्छा देख लेते हैं जो इसमें फिट हो जाए। इसको मैं अभी बाद में कर देती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके साइड के मैं बल्ब है ना, ये हटा लूँगी, अभी ये घुस नहीं रहे हैं किसी भी तरीके से। इसके मुंह से थोड़ा सा चौड़ा है ये गुच्छा, तो चलो इसको रख देते हैं। इसको मैं दूसरे वाले में लगा लूँगी, थोड़े से बल्ब इसके निकाल दूँगी, उनको कहीं और लगा दूँगी। तो कोई पतले वाला गुच्छा देखते हैं, वो लगा लेते हैं फिर, ठीक है। बस डेकोरेशन के लिए जो कैसे ही होता है, थोड़ा सा देख दुख के लगाना होता है, ताकि आपका प्लांट भी लग जाए अच्छे से भी चले, और एक डेकोरेशन का आइटम भी तैयार हो जाए आपका प्लांट्स के साथ। तो ये देखो, ये आ गया अच्छे से, ठीक है ना। अब जितना इसमें घुसना है इसको घुसा दो उंगली से दबा दबा के। कॉनिकल में दोस्तों, आपने ये जो कोकोपीट वाले आइटम थे तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये जो सेरेमिक के आइटम आए हैं ये भी बहुत सुंदर हैं, और बिल्कुल इनमें भी हम बड़े आराम से प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। बस ऐसे देख देख के आप प्लांट लगाते रहो। रिवर सैंड मैंने नीचे डाल दी थी, थोड़ी सी सोयल और डाल दी, ताकि एक बढ़िया सा मीडियम तैयार हो जाए बल्ब की रूट्स को नीचे तक जाने के लिए, क्योंकि बल्ब इतने नीचे नहीं जाएंगे। देखो ये तो यहीं पे रुक गए हैं ना, नीचे इसके लेकिन जगह है, ताकि बल्ब की जड़ें नीचे तक फैल सकें, फिर ऊपर आपका प्लांट बहुत सुंदर दिखाई देगा। और अब ऊपर से इसके मिट्टी भर देते हैं। और इसी वक्त दोस्तों, मैंने भी गलती की कि पहले मिट्टी भर दी, इसी के साथ साथ आप पर्सलिन पोर्चुनिका की कटिंग लगाते जाओ। वो मैं अभी दूसरे वाले प्लांटर बनाऊंगी ना, तब मैं लगा दूंगी। एकदम लगाते लगाते मुझे ध्यान आया कि मैं वो भी लगा सकती हूँ इसमें, जितनी जगह बची हुई है, ताकि गर्मियों में तो फूल खिलते रहे, हमने भी तो इसको बाहर दीवार पे लटकाना है। और इसमें दोस्तों, आप अगर अंदर लगा रहे हो तो आप इसमें मनी प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी चलेगी इसमें। तो ये देखो, बस हल्की फुल्की इन पौधों को शावरिंग की जरूरत होती है, कोई ज्यादा इतनी पानी की जरूरत नहीं होती। जब हम पौधों को पानी देंगे, इसमें भी हल्की शावरिंग कर देंगे, तो इतना ही मॉइस्चर इसे जरूरी होगा। तो ये देखो, ये अब लग गई इसमें। अभी मैं कुछ पर्सलिन पोर्चुनिका की कटिंग काट के लाती हूँ, मुझे लग रहा है कि वो भी लगाई जा सकती है इसमें, है ना। तो आप ये गलती मत करना, पहले मिट्टी मत भर देना। जैसे ही आप ये बल्ब लगाओ ना, साथ साथ ही उनकी कटिंग को भी साथ साथ रख देना, और फिर ऊपर से मिट्टी डाल देना। अभी मैं औरों के साथ यही करूंगी। और अब मैंने मिट्टी दबा दी अच्छे से, है ना। अब मैं ब्रश की सहायता से गड्ढा खोद के और ये कटिंग लगा दूंगी, और इसके साथ ही लगा देती ना, फिर मिट्टी डालती और अच्छा रहता, फिर इस तरह से नहीं लगाने पड़ते। मुझे भी बाद में ध्यान आया फिर, और फिर इसमें फूल भी खिलेंगे। मैंने भी हाथ से अच्छी तरह दबा दी थी ना तो दबा दो ना अच्छे से, फिर एयर पॉकेट से बंदी प्लांट आपका स्टेबल रहता है। अब नीचे नीचे ये बढ़ता रहेगा। तो ये देखो, ठीक। तो भाई ऐसे तैयार होते हैं आपके कॉनिकल प्लांटर्स, और नंबर मैं शेयर कर दूंगी जहाँ से मैं आइटम मंगाती हूँ ये सेरेमिक के। मैं किचन के ही मंगाती रहती हूँ, मैं आपने देखे होंगे, और इस तरीके के भी मंगाती रहती हूँ, तो वो आप देख लेना। जो भी इनके पास अवेलेबल होगा ये व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर मैं इनका आपको दे दूंगी। और मुझे बताना चाहे लेने हैं चाहे नहीं लेने हैं, वो तो एक अलग बात है, वो तो ये एज ए शौक की बात है, आप लेते हो या नहीं लेते, लेकिन ये बताना लगने के बाद प्लांट कैसे लगे। तो दीवार पे भी मैं आपको लटका के दिखाऊंगी, स्टार्टिंग में दिखाया था ना मैंने तैयार करके तभी वो पिक डाली थी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो भी देखो, लगने के बाद ये ऐसे लग रहे हैं, चार हैं ये, दो मैं उधर बुद्धा जी के उधर लगा दूंगी, जहां मैंने हैंगिंग बास्केट लगा रखी है वहां भी अच्छे लगेंगे ये। तो चारों के चारों तैयार हो चुके हैं, और ये तैयार होने के बाद ऐसे लग रहे हैं। और
क्योंकि अभी इनमें नए नए प्लांट्स लगे ना, अभी थोड़ी दिन बाद जब ये एस्पेरेगस सारा का सारा इसका जो फ्रंट वाला एरिया कवर कर लेगी ना, फिर और सुंदर लगेंगे ये। और ये देखो भी कितने सुंदर फूल खिले हुए इस छोटे से गमले में, है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। जो भी आज गार्डन में फूल खिले हुए हैं उनकी हल्की सी झलक देख लो आप भी। और भाई ये मिर्चियां तो यहाँ से तो मैं इतनी मिर्ची तोड़ती हूँ, बहुत मिर्ची, और देखो कितनी मिर्ची आ रही है। और मिर्च वाला वीडियो मैंने बनाया है अभी 3-4 दिन पहले, तो कभी भी फूल भी नहीं गिरता मेरा, और मैंने कुछ इसके साथ कुछ खास भी नहीं कर रखा, और फिर भी देखो कितनी अच्छी मिर्चियां बन जाती हैं ये। और कई बार इमरजेंसी में ना हो तो मैं यहीं से लेती हूँ। और ये देखो ये ऑर्नामेंटल वाली भी कितनी अच्छी चल रही है ना, कितनी सारी नई नई मिर्चें निकलने लग रही हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जरूर बताना ये कॉनिकल प्लांटर्स टंगने के बाद आपको कैसे लगे। तो बस लगाओ नए नए प्लांट्स, मजे करो, मस्ती करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।